नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है समय। जीवन के दो पहलू हैं, एक शाश्वत, दूसरा नश्वर। नश्वर के माध्यम से शाश्वत को भी समझा जा सकता है। नश्वर शरीर माता पिता से प्राप्त होता है, इसमें व्यक्ति की 7 पीढ़ियों के अंश रहते हैं। इसमें स्थूल शरीर 5 महाभूतों से बनता है। आभा मंडल अंतरिक्ष के प्राणों से तथा चंद्रमा से मन बनता है। समय के साथ शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, अंत में शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शाश्वत भाग आत्मा का है, इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा अमर है क्योंकि परमात्मा का अंश है अथवा नित्य है। शरीर की तरह आत्मा की कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई नहीं होती। ये तीनों आयाम सांसारिक पदार्थों में दिखाई देते हैं, अनित्य पदार्थों में होते हैं। इनकी प्रवणशीलता को दर्शाते रहते हैं। आत्मा को समय की चौथी श्रेणी माना है। आत्मा को ही समय माना गया है क्योंकि काल नित्य है, आत्मा भी नित्य है। हमने काल को खंड खंड करके व्यवहार किया है, अतीत, अनागत और वर्तमान के नाम से परिभाषित किया है। ये सारी अवधारणाएं अनित्य है। अतीत और अनागत कल्पना मात्र है। अतीत जीवन का भुक्तांश है, लौटेगा भी नहीं और पुनः जिया भी नहीं जा सकता। अतीत के नाम से हमारे हाथों में जीने को कुछ होता नहीं है। हाँ, स्मृतियाँ रहती है जिनमें व्यक्ति यदा कदा खो जाता है और अपने वर्तमान की बलि चढ़ा देता है। यही हाल अनागत या भविष्य का है। भविष्य हमारे हाथ में नहीं होता, कल्पना कर सकते हैं। बस यही भी हम वर्तमान की भी ही बलि चढ़ाते हैं। तब सोचिए, हमसे बड़ा हमारा शत्रु धरती पर कौन होगा? और यदि हम अपने वर्तमान से इस प्रकार खिलवाड़ करेंगे तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा, जबकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बन जाना। काल का धर्म ही कर्म है, नित्य परिवर्तन है। अतः कहा जाता है कि शरीर काल के अधीन है। किसी भी मानव देह के विकास मार्ग में जन्म से लेकर बाल्य, किशोर, यौवन, प्रौढ़, वृद्धावस्था के कर्म रहते हैं। अनित्य वस्तुओं को सृष्टि से विकास तक एक कर्म में ही देखा जाता है। यही काल की अधीनता है, जबकि नित्य वस्तुओं में काल का कोई प्रभाव मौजूद नहीं रहता, क्योंकि नित्य तत्व तो सदा प्रकाशमान रहता है। एक भवन का निर्माण आकाश में होता है, ध्वस्त हो जाने के बाद भी आकाश वहां रहता है, जबकि सूर्योदय, सूर्यास्त, देश प्रमाण के साथ बदलते जान पड़ते हैं। जबकि पृथ्वी की गति एवं परिक्रमा के कारण ऐसा जान पड़ता है। आप एक क्षण को सूर्य पर खड़े होकर देखें तो काल की नित्यता स्पष्ट हो जाएगी। हमारे लिए तो काल सापेक्ष पदार्थ मात्र है। शरीर जहाँ देश से जुड़ा है, वहीं आत्मा काल स्वरूप ही है। सामयिक का संबंध समय से है, समय में रहने से है। हमारा स्वभाव समय में, वर्तमान में रहने का नहीं है। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम सारे दिन खुद से दूर भागते रहते हैं। जैसे नदी का जल अपने उद्गम से दूर होता जाता है, हम संसार के विषयों में ममकार, अहंकार में अटक कर रह जाते हैं। हम दिन भर में सबकी चर्चा कर लेते हैं, शहर से लेकर विश्व के परिदृश्य को तार तार करके फेंक देते हैं, किंतु यह कभी नहीं होता कि हम 10 मिनट खुद से खुद के बारे में भी बात करें। हम क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं? क्या हमारा मार्ग और गति उचित या संतोषजनक है? इसके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है। कृष्ण ने कहा है कि अभ्यासेनो तु कौन्तेय वैराण्य गृह्यते। नित्य अभ्यास के बिना चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। सामाहिक आत्मा में रहने का नित्य अभ्यास है। इस काल में हम मन, वचन, काया का चिंतन करें, काल का चिंतन करें। हमारी आत्मा ही त्रेता द्वापर से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। 84 लाख योनियों से गुजरते हुए यही काल की और आत्मा की निरंतरता है। हम सभी योनियों में पैदा हो चुके हैं, जीवन के और प्रकृति के सारे थपेड़े खा चुके हैं। हमें अब शांति का, आत्मचिंतन का मार्ग पकड़ना है। भूत भविष्य से बाहर रहकर वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है। वर्तमान क्या है जो न भूत है न भविष्य है, दोनों के मध्य का काल है। एक क्षण मात्र है, पलक झपकते ही भूतकाल बन जाता है। इसमें जीना है। हम खाना खाते हैं, वर्तमान में मन में अनेक विचार चलते रहते हैं,
कई काम याद आते रहते हैं, हम इन सब में खोए खोए जल्दी से खाना खाकर उठ जाते हैं। क्या हम पांचों इंद्रियों का उपयोग करते हैं? खाने में क्या हमको रस की अनुभूति होती है? क्या हमें कोई संदेश सुनाई देता है? खाने के साथ क्या हम समझ पाते हैं कि किसने खाना बनाया? क्या हमने अन्न को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण किया और उसका आभार प्रकट किया? क्या हम माता पत्नी और रसोई के पकाए खाने में अंतर पढ़ सकते हैं? एक छोटा बच्चा कह देता है कि कौन सी चीज़ माँ ने नहीं बनाई। बड़े होकर क्यों भूल जाते हैं? हम मन ही वर्तमान में रहना भूल जाता है। स्नान घर में गाना गुनगुनाते रहते हैं, स्नान में कितना ध्यान देते हैं? यह ध्यान देना कार्य के साथ मन को जोड़ कर रखना सामयिक है। वर्तमान में बने रहना, भूत और भविष्य से बाहर रहना, यही ध्यान है। इसी मार्ग पर चलकर मन एकाग्र होगा, शांत होगा। जब शांति का सन्नाटा छाने लगे, तब वर्तमान का क्षण प्रकट होता है। यही समय में रहना है, यही आत्म साक्षात्कार है। धन्यवाद।